दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पे लेकर आए हैं आपकी खिदमत में चंद ऐसी वीडियो क्लिप्स जो आप पहली बार देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। दोस्तों इस अजीब से फिनोमेना को देखिए, पहली नजर में देखने में ये किसी बिल्ली या खरगोश का बाल लगता है, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये पेड़ पर निकले बाल हैं और सिर्फ कुछ जगहों पर ही ये पेड़ पाए जाते हैं, और अगर आप इन्हें छूने की कोशिश करेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा टेम्परेचर कम होने की वजह से नहीं, यहाँ कोई बर्फ नहीं है बल्कि ये फंगस है जिसे सोफा भी कहा जाता है, और अगर इसे छुआ ना जाए तो ये अपने शेप को घंटों बनाए रख सकते हैं। दोस्तों आपने बाढ़ सच में हो या इंटरनेट पे जरूर देखा होगा, लेकिन ऐसी बाढ़ जिसमें पानी से ज्यादा लकड़ी हो ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों ये नजारा अमेरिका की रियासत यूटा में देखने को मिला, जिसमें भारी बारिश की वजह से लकड़ी कीचड़ सब कुछ तेजी से बहते हुए नदी में चला आया। ऐसा लग रहा था कि ये पानी नहीं बल्कि लकड़ियां बह रही हैं, और ये नजारा कैमरे में कैद हो गया जो आज आपके सामने है। दोस्तों यूरोप के साउथ में एक नदी मौजूद है, हमें यकीन है इसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि रूस में मौजूद इस नदी में पानी नहीं बल्कि पत्थर ही पत्थर हैं। ऐसा सिर्फ थोड़ी सी जगह पर नहीं है बल्कि ये नदी पूरी कम से कम 6 किलोमीटर लंबी है, और आसमान से देखने में ये किसी असली नदी की तरह भी लगती है। ये नदी कुदरत का अजीब करिश्मा लगती है। साइंटिस्ट ने भी आज तक इसके बारे में सही से नहीं बता पाया है कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी उनके पास एक थ्योरी है। उनका कहना है कि ऐसा 10,000 साल पहले ग्लेशियर के टूट कर बह जाने की वजह से हुआ था। दोस्तों ये वाकया कर्नाटका का है, जब एक कुत्ता तेंदुए के साथ एक टॉयलेट में फंस गया। दोस्तों ये जो फुटेज आप देख रहे हैं इसे प्रवीण कुमार जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि दोनों जानवर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना बहुत ही आराम से एक कोने में बैठे हैं। दोस्तों दरअसल ये लेपर्ड इस कुत्ते का पीछा करते करते इस टॉयलेट में आ गया, और जैसे ही घर के लोगों को इसका पता चला उन्होंने टॉयलेट का दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों स्वीडन में अजीब और खतरनाक तरह के स्पोर्ट्स का चलन काफी ज्यादा है, जैसे कि अभी जो आपने आवाज सुनी ये बर्फ के टूटने की आवाज है। मार्टिन एज ने जो कि एक मैथमेटिशियन है पिछले 40 सालों से आइस स्केटिंग कर रहे हैं, और ये कई बार बर्फ के पतले होने की वजह से नदी के अंदर भी चले गए, इसलिए अब पहले नदी में जमी बर्फ की मोटाई चेक करते हैं और उसके बाद उस पर स्केटिंग करते हैं। दोस्तों कभी कभार जो मनाजिर आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं वो अपनी असल जिंदगी में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये वाकया जो यूक्रेन में पेश आया। दोस्तों इस वीडियो में पानी के हद से ज्यादा प्रेशर की वजह से रोड किसी बॉम्ब की तरह फट गया, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इस आदमी का रिएक्शन देखने लायक था, क्योंकि लगता है कि इसे शायद पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ। दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग।